कि हमारे पहाड़ में पैदल चलना पड़ता है, तो उसका सबसे बड़ा मुझे लाभ हुआ। क्यों ये 11 हमारे बसे नहीं क्यों? अरे सर, ये ख्याल मुझे तब मेरे मन में आता था जब लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे। औरों का करती मैं नहीं उतना होता, लेकिन पाकिस्तानी वुमेन का जब रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो भी पाकिस्तानी वुमेन का, यार देखना ती की लड़की पर कन तो कुछ नहीं, काम धाम कुछ नहीं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, साइकिल पे तो लगी बात कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी फैमिली, मेरा गाँव, मेरा ये नहीं है मेरे साथ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति नेगी जी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की जो माउंट क्लेमेंजारो जो चोटी है उसको फतह किया है और एक रिकॉर्ड कायम किया है, और पाकिस्तान की जो महिला का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करके अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच सर। जो रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया उसकी खुशी बहुत ही है, कैसा महसूस हो रहा है? सर ये जब मैंने औरों का करती मैं नहीं उतना होता, लेकिन पाकिस्तानी वुमेन का जब रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो भी पाकिस्तानी वुमेन का, तो इतनी खुशी हो रही कि मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मैं आप रुद्रप्रयाग जिले से बिलोंग करते हैं, तो एक पहाड़ से, एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ तक फतह करने का जो सफ़र है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? सर ये बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक तो थोड़ा ये मुझे लाभ ये हुआ कि क्योंकि हमारे पहाड़ में पैदल चलना पड़ता है, तो उसका सबसे बड़ा मुझे लाभ हुआ कि जो मेरी वो पैदल यात्रा है, पैदल मैं काम किया है, खेतों में कभी कभी काम करती थी मम्मी के साथ वो, और पैदल जाना पैदल आना, स्कूलिंग 4 किलोमीटर का था तो 8 किलोमीटर अप एंड डाउन हो जाता था, तो उसका बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा वो रहता था, इंटरेस्ट रहता था, स्पोर्ट्स से भी मुझे काफ़ी लाभ हुआ जी। तो प्रीति जी, जो ये तैयारी है ये 1-2 दिन की तो होती नहीं है, 1-2 साल की होती नहीं है, जाहिर सी बात है बहुत पहले से तैयारी करते रहेंगे। तो जब आप तैयारी करती थी तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे पहाड़ में, कहते ना गढ़वाली में, कि वो 11 हमारे बसे नहीं क्यों? अरे सर, ये ख्याल मुझे तब मेरे मन में आता था जब लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे, जब मैं साइकिल चला के ऊपर जाती थी, तो अब बिकॉज होता ही है, एक अकेली लड़की है साइकिल चला रही है और ऊपर पहाड़ियों में जा रही है, तो कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि अरे यार देखना ती की लड़की पर कन तो कुछ नहीं, काम धाम कुछ नहीं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, साइकिल पे तो लगी। बल्कि जब मैंने ये रिकॉर्ड कायम किया था, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड, कई लड़कियों ने, मुझे याद है अभी मैं नाम तो नहीं लूँगी, पर कई लड़कियों ने मुझे ये बोला था, अगर उसके जैसे फ्री हम रहते ना, मेरे माँ बाप अगर हमें घर का काम वाम नहीं कराते ना, तो हम तो पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड कायम करते। मैं उन लड़कियों से यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत मेहनत लगती है बहनों, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कष्ट खाना पड़ता है, हाथ पाँव छिल जाते हैं जिस जोर फीवर। तो एक बार मैं सर, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, पूरी पसीना ऐसे ना हो कि मुझे फीवर आ रहा था, लास्ट टाइम मुझे जाना भी था, और इतना फीवर मुझे आ रहा था कि मैं ना कर नहीं पा रही थी। मम्मी ने कहा कि आप लेट जाओ सो जाओ, मैंने बोला मम्मी अगर मैं इस बार सो गई तो मे भी हो सकता है मेरा वो जो सबमिट है वो भी सो जाएगा, तो मुझे करना है। Yes, तो प्रीति जी, जैसे कि आपने कहा कि जो और लड़कियां थी जो इस प्रकार की बातें करती थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी घर का कितना समर्थन आपके साथ था? क्या कभी, जैसे एक चीज़ होती है कि माँ ने कभी कहा नहीं कि रोन देवार धाने पर लग जाओगे? नहीं, मम्मी ने एक बार, तो मम्मी ने इस बार काम के लिए तो मम्मी नहीं बोलती थी, काम के लिए ये कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, काम मैं करूँगी, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। पर जब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो लास्ट टाइम पर मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा मत कर, नहीं होगा, क्या मिलेगा तुझे ये चीज़ करके, क्योंकि उनको पता नहीं है ना इसकी खुशी क्या, ये जब कायम हो जाता था क्या, क्योंकि वो एक, उनको नहीं पता है ये चीज़। तो मम्मी ने एक बार बोला था मुझे कि अभी ना पैसे नहीं हो रहे, कहाँ से इतना सारा पैसा करेगी, छोड़ दो आप, अब ये चीज़ें छोड़ दो, ऐसे करो कि नहीं हो रहा है तो आप रहने दो, देख लेंगे अगर कभी होगा पैसा तो फिर कर लेंगे। पर मैंने कहा नहीं मम्मी, एक बार मैंने अगर कदम उठा लिया है मुझे करने दीजिए, आप भगवान ने रास्ता दिखाया है वो आगे भी मेरे लिए रास्ता दिखाएगा और मैं कर लूँगी। अच्छा प्रीति जी, जो ये दौर था आपने जब तैयारियाँ शुरू की, तो उस वक्त में जो कई बार जैसे आपने बताया कि डिमोटिवेट हो जाते थे, तो आपके जो प्रेरणा स्रोत थे किसको देखकर आपको एक उम्मीद जगती थी कि नहीं मुझे करना है और मुझे दौड़ना है, मुझे रुकना नहीं है? देखिए, प्रेरणा स्रोत एक तो मेरी सविता कंसाल मैम है, जिनको मैं बहुत याद करती हूँ, उनके लिए भी मैंने श्रद्धांजलि दी थी, वो भी एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। दूसरा मेरे बड़े भैया हैं,
ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आंटी हैं और इनके ये अंकल जी हैं, इन्होंने तो मेरा बहुत सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं मैं मेरे से हो पा रहा, तो ये मुझे पीछे से पुश करते थे, अरे प्रीति हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, कर लेगी तो पैसा हो जाएगा, क्यों नहीं। और दूसरा जो लीग के सदस्य हैं, ये अपने जनरल साहब जी हैं, भंडारी सर जी हैं, ये इन लोगों ने बहुत बहुत हेल्प की सर मेरी, उन्होंने मेरा मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ाया कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी फैमिली, मेरा गांव, मेरा ये नहीं है मेरे साथ अभी। तो उनका हमेशा मनोबल बढ़ाते मैं ये कार्य ऐसे कर गई, पता ही नहीं चला कब समिट से यहाँ पे पहुँची हूँ। अच्छा प्रीति जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया पहाड़ की दुर्गम स्थिति है, पहाड़ों की वाकिफ हम भली बात इन चीज़ों से वाकिफ हैं कि किस तरह से जीवन यापन होता है। अगर शहरों की बात करें तो सुबह उठना, जॉगिंग वगैरह कुछ होता है, लेकिन पहाड़ में सुबह उठना, गाय को वो करना, जो दिनचर्या होती है वही रहती है। तो आपकी जैसे कई जो लड़कियाँ हैं वो तैयारी करना चाह रही होंगी लेकिन जो डीमोटिवेट हो जाती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए सर, मेरा उन बहनों से यही एक मोटिवेशनल मैं यही बोलना चाहूँ उनको कि देखिए मैं भी पहाड़ से हूँ, मैंने भी गाय का गोबर ओबर सब कुछ किया है, हमारी भी गाय रही है, भैंस रही है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि यार हमारे पास ना मल्टी टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर ये भी टैलेंट है कि हम घर का काम भी कर सकते हैं, खेत का काम भी कर सकते हैं, और हमारे अंदर ये भी टैलेंट है कि हम जो बाहर रह रही हैं लड़कियाँ, उनसे बेटर हम कर सकते हैं। मेरा उनसे यही कि आप अपना ना मनोबल कभी मत घटाओ, अपना मनोबल बढ़ाते रहो और ऐसी चीज़ों में ध्यान दो जहाँ से तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचो। जहाँ पर तुम्हें लगता है ये नेगेटिव चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपने आप से दूर करने की कोशिश करो, और ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से आप रिश्ता ना जोड़ो जो तुम्हें हर टाइम मोटिवेट करे और तुम्हें आगे ले जाने में, तुम्हारी सफलता को तुम्हें सफल दिलाने में वो तुम्हारा रास्ता बढ़ाते रहे, दिखाते रहे तुम्हें, ऐसे लोगों से आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, समय थैंक यू सो मच। और जो आपके अंकल हैं हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आंटी जी, आपकी बेटी जो साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ फंसे, कितनी खुशी होती है? बहुत 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 खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ की बेटियाँ ऐसा भी कर सकती हैं। और विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोगों को, मतलब ये बिलीव ही नहीं हो रहा था जिस टाइम मेरे पास इसने पहले फ़ोटो भेजी थी और व्हाट्सएप कॉल की थी, तो क्योंकि बहुत कम पीरियड में किया उसने ऐसा, वो केदारनाथ से आई थी तो बहुत कम टाइम था, प्रैक्टिस भी उसकी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, पर वाकई में उसने बहुत प्राउड फील कराया है हमें। इसके लिए हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसी बेटी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा पहाड़ भी खुशनसीब है कि प्रीति जी जैसे जो बेटी है, पहाड़ की बेटी, उन्होंने जितना ऊँचे पहाड़ है उससे जो पहाड़ का गौरव बढ़ाया है। प्रीति नेगी के भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आपकी बहन ने जो पूरे पहाड़ और पूरे उत्तराखंड से पूरे देश का जो मान बढ़ाया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे हम जो है क्या अपने सिस्टर को कि जो आपने जो है इतना जो है नाम रोशन कराया हमारे, तो है माँ बाबों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हमारे साथ थी प्रीति नेगी, जिन्होंने जो साउथ अफ्रीका की जो माउंट किलिमंजारो जो चोटी थी उसको फतह किया और वहाँ पर जो तिरंगा लहराया है। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।